कठिन संघर्ष एवं निष्ठापर कार्य परे सफलता आसी मथा चुंबन करे। यहार ज्वलंत उदाहरण होती मैरिकम। विश्व दरबार में भारत ना को शीर्षे रखिंट से वर्ल्ड चंपिशिप छर सुना जीति प्रथम महिला बक्सर हो पारिंट मैरिकम। ताछड़ा पारिवारिक जीवन में भी खूब सफल तीनोटी पिलार माँ होती मैरिकम। जीवन ये सफलत पहुंचा एत भी सहज नुहे। तेज चलतु आज वीडियो रे आमे तांकर संघर्ष कहानी विषय जानवा। मैरिकम एक गरीब परिवार रे जन्मग्रहण करते पुणी से गोटे ही झीले कठोर परिश्रम द्वारा पिंधि पारिंट विजय मुकुट। प्रतिकूल परिस्थिति रे भी एक दृढ़ संकल्प नहीं आगक बढ़ी प्रथम ही पर तरफ सहयोग मिल ना तथापि बक्सींग दुनिया रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछन्ते मैरिकम। तेबे तांको जीवन कहानी आरंभ होउछि 1 मार्च 1983 रु जेबे से जन्मग्रहण करथिले मणिपुर गोटे छोट गाँ कंगाठी तांकर जन्मस्थान। तांको पिता तोम्पा कम एवं माँ को नाम अखम कम एवं तांको परिवार रे जणे सान भाई और भौणी। मैरिकम कहते मो बापा छोट बलु परिश्रम और संघर्ष सिखाई बापा मांकर प्रथम संतान हो मो बापा पुओ थी बोली मैरिकम कहते। प्रतिदिन सका 5 उठी बापा क्षेत्र जाऊ मैरिकम सान बलु ही भारी जिनस उठेबार बेस अभ्यास था। 10 वर्ष बयस क्षेत्र प्राय सब कम से जानते स्कूल समय हवा मात्रे घर को आसी किछि खाई पाठ पढ़ापी बाहरी जाऊ मेरी। या छड़ा स्कूल रु फेरी से घरे चुली लगेबार आरंभ कर लुगा धोबा पर्यंत सब काम माँ को साहाज्य करते संपूर्ण भाव अंधार न होबा पर्यंत सेमाने कार्यरत था। पर लंठन लगाई पाठ पढ़ती मैरिकम। मेरी तांकर प्राथमिक शिक्षा लोकतक ख्रिश्चियन मॉडल स्कूल आरंभ करते परे नवम और दशम पाठपढ़ाई इम्फाल जाई आदिम जाति उच्च विद्यालय नाम लिखाइले। उच्च विद्यालय विफल हेले मेरी फल स्कूल छाड़बार निष्पत्ति से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रे नवम एवं दशम सहित इंटरमीडिएट रे उत्तीर्ण होते। छोट बलु खेलकूद प्रति विशेष इच्छा था एपर्यंत भी बक्सींग क्यारियर करने कथा भाव मेरी। छोट बेलू ही समस्त कार्य शीघ्र करिबार अभ्यास शरीर को बेस आक्टिव रखे। मैरी अजाणत ही शरीर बक्सींग प्रस्तुत हो सारी बक्सींग्र अभ्यास पुओं सहित करने को पड़ा कारण माड़ को झी मैने पार नथिले। 1988 मणिपुर बक्सर डिम्पो सिंह सफलता बक्सींग दुनिया में पाद थापा प्रेरणा दिला। मात्र 15 वर्ष बयस बक्सींग दुनिया रे राज करिवे बोली से स्थिर करिथिले। ट्रेनिंग पाई इम्फाल रे एक स्पोर्ट्स एकेडमी रे नाम लिखाइले मेरी। सेठारे तांको कोच थिले के कुशनामोते। मैरिकम घरठारु दूर रही बक्सींग ट्रेनिंग नेउथिले सत हेले घरे ए संपर्क रे काहाको भी जणा नथिला। बक्सींग रे जीवन प्रति विपद रहिबा सहित जदि चेहरा रे दाग रही जाए तेबे विवाह न होबा भय रे परिवार सदस्य तांको सपक्ष रे नथिले किंतु जीवन रे किछि करी बापा मां ओ भाई भौणी को गरीबी रु दूरे रेबार इच्छा तांको अहेतुक सफलता आनि दिथिला। परिवार सदस्य नथाई मध्य 2000 मसीहा रे मणिपुर स्टेट बक्सींग चंपिशिप जितिबा परे तांकर ए सफलता खबर कागज ओ गणमाध्यम रे प्रकाश पाइला। परिवार समस्ते यहाँ देखी सत्यता जानिबा परे परिवार सदस्य तांकु सपोर्ट कले। 2001 मसीहारे मैरिकम को परिश्रम झलक विश्व दरबार में देखा मिलता। AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप से रौप्य पदक हासिल करते। 2002 बेलू अभिज्ञता बढ़ा सहित पुणी AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक हासिल करते मैरिकम। यहपर अनेक डोमेस्टिक एवं एशियन गेम रे तांको प्रतिभार छलक देखा मिलता। 2005 के अन्नल कम को मैरिकम विवाह करते
ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ହେଲେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ମ୍ୟାରି ପୁଣି ଖେଳ ଜଗତକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ମା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ସେହି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଓଜନ ମେଳ କରାଗଲା ଏଭଳିକି ଖେଳିବା ସମୟରେ ବିରତି ସମୟ କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଭଳି ମ୍ୟାରି ଥକ୍କାପଣରେ କମଜୋର ପଡ଼ିଯିବେ ତଥାପି ମ୍ୟାରି କମ୍ ହାର ମାରିନଥିଲେ ଶେଷରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିକୁ ଚୁପ୍ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 2006ରେ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାରିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କଠିନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଫଳ ହେବା ଭୟରେ ଜ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇନଥିଲେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ 6 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ ମ୍ୟାରି କମ୍ ଏହାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଲେ ଯିଏକି ବକ୍ସିଂରେ 6 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଖେଳରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ 2003ରେ ମ୍ୟାରି କମ୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର 2006ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2009ରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖେଳ ସମ୍ମାନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ମ୍ୟାରି କମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାରି କମ୍ଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେରଣା ଯିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି 2014ରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯଦି ମ୍ୟାରି କମ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ସେ କେବେ ଛୁଇଁ ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେ ତଳକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବି ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ସଫଳ ମ୍ୟାରି କମ୍ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।